हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और आज के व्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं इन दो बेसिक आइटम के बारे में। तो दोनों ही ज़्यादा महंगे आइटम नहीं है, बट बहुत ही इसेंशियल आइटम है और टूर एंड ट्रैवलिंग में हम लोगों की हेल्प करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं इस छोटे आइटम की। तो देखते खोल के इसमें क्या है, फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और इसमें मुझे लग रहा है कि जो चार्जर एक्चुअली, क्योंकि हम लोग जब टूर वगैरह पे जाते हैं तो हमें अपनी जो बैटरीज वगैरह है गोप्रो की या फिर मोबाइल की यूएसबी से, वो चार्ज करनी रहती है गाड़ी में ही। और इससे काफ़ी हेल्प मिलती है ट्रैवलिंग ट्रिप्स में जब हम लोग जाते हैं। एक एक्चुअली मैंने पहले लिया था, बट वो लोकल ब्रांड था और वो जल्दी ख़राब हो गया था। बट इस बार मैंने सोचा कि किसी अच्छी कंपनी का ऑर्डर करता हूँ, तो इस बार ये मैंने सिस्का का ऑर्डर किया एक्चुअली। तो ये कुछ ऐसे ही दिख रहा है और इसमें है इनपुट आउटपुट पावर सब कुछ इस पर लिखा है। बट इसका अगर मॉडल की बात करूँ और प्राइस की बात करूँ तो ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है और ये मुझे मिला है 440 का। और इसका जो मॉडल और प्राइस है वो कुछ ऐसे है। और इसका जो नाम है, सिस्का फास्ट वेल कार चार्जर फॉर ऑल स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स प्लस फ्री माइक्रो यूएसबी केबल। तो इसमें एक यूएसबी केबल भी होगा। तो इस बार मैंने सिस्का का ट्राई किया है जो कि अपना हेल्प करेगा चार्ज करने में, फास्ट चार्ज करने में। एक मिनट माजू, क्या हो गया देखो। तो पैकिंग तो उन लोगों ने अच्छी करके दे रखी है। ये इसका चार्जर हो गया आई थिंक। ये टाइप सी यूएसबी एंड टाइप सी चार्जर हो गया इसका। और ये हो गया मेनली मेन इंस्ट्रूमेंट, तो ये इधर से कार में लग जाएगा और इस साइड से इसकी चार्जिंग हो जाएगी। तो ये तो हो गई बात इस कार चार्जर के बारे में, सिस्का एलईडी कार चार्जर। अब इसकी बात कर लेते हैं बड़े इंस्ट्रूमेंट की, ये क्या है। तो ये मैं भी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको क्या है। तो ये है कुछ जो दूसरे बॉक्स में से निकला है। तो ये बेसिकली एक टेंट है जो कि ट्रैवलिंग में हम लोगों की हेल्प करेगा कैंपिंग वगैरह करने में। एक और है। पैकिंग तो इन लोगों ने बड़ी अच्छी कर रखी है, पहले ये इन लोगों ने इसका कवर दिया है और इसे कैरी करने के लिए ये भी है साथ में हैंडल वगैरह। और मेनली ये है। और अगर इसकी बात करी जाए मॉडल्स या फिर डिटेल्स के बारे में, तो ये इसकी डिटेल्स है, क्रीवा वाटरप्रूफ पॉलिस्टर फैमिली आउटडोर कैंपिंग के लिए ये। और इसका जो प्राइस है वो है 1099। तो ये हम लोगों ने एक ऑर्डर किया है क्योंकि ट्रैवलिंग में काफ़ी हेल्प करने वाला है हम लोगों की ये, जब हमें कैंपिंग करनी पड़ेगी आउटडोर। तो ये टेंट है कैंपिंग करने के लिए आउटडोर। और इसकी डिटेल मैंने आपको जो दिखाई है यही है। तो अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी डेमो, फटाफट से इसे लगा के असेंबल करके दिखा देते हैं आप लोगों को, क्योंकि माजू को कैंपिंग करने का बड़ा शौक है। ठीक है माजू, और माजू को फाइनली टेंट मिल ही गया। तो अभी इसकी एक बार असेंबलिंग करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये बेसिकली अपना वाटरप्रूफ जो टेंट है वो रेडी हो चुका है। और इसमें इन लोगों ने स्टिक दी है, ये बेसिकली फोल्डेबल स्टिक्स है। तो ये इसमें ऐसे लग जाती है, फिक्स हो जाती है यहाँ पे, और ये फोल्डिंग करके इसमें डालनी पड़ती है दोनों साइड में। तो ये कुछ इसके से असेंबली करी हम लोगों ने अभी। और ये है कैंपिंग टेंट। और एक बार मैं आपको इसकी हाइट दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मेरी हाइट से कितना बड़ा है ये। तो ये यहाँ तक आ रहा है मेरे तकरीबन, और अंदर भी इसमें आराम से लेट सकते हैं इंसान, तो ऐसे लेट सकते हैं इसमें। और इसमें बेसिकली दरवाजे को बंद करने के लिए दो कवर हैं। तो ये जाली वाला है ताकि हवा वगैरह अच्छे से पास होती रहे, बट अगर जाली वाला नहीं चाहिए, कम्प्लीटली बंद वाला चाहिए, उसके बाद में फिर ये वाला है, तो इससे ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो जाली वाला भी है, नेट वाला, विदाउट नेट वाला भी है, तो दोनों ही है। वाओ, एंड वी आर डूइंग नाउ इन, हाँ, यहाँ से बाहर भी दिख रहा है, लाइट दिख रही है। और मैं और माजू भी टेंट में बैठे हुए मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है माजू टेंट में अंदर? टेंटिंग एट होम, सॉरी कैंपिंग एट होम।